हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है प्रतिकारिता या प्रतिरक्षण, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। अगर हम बात करें प्रतिरक्षा शक्ति, दैट इज इम्यूनिटी पावर, बहुत पहले इसकी जो परिभाषा थी प्रतिरक्षा शक्ति की, इम्यूनिटी पावर की, वो ये थी कि मनुष्य या किसी जानवर में संक्रामक शक्ति, रोगों के प्रति अवरोध उत्पन्न होना, यानी कि वो अपने आप को किसी संक्रामक रोग जो होता है उससे अपने आप को रक्षा करना, इसको इम्यूनिटी पावर कहते थे। लेकिन व्यक्ति के शरीर में किसी भी जीवाणु, बैक्टीरिया, रोगाणु या विषैले पदार्थ से जो लड़ने की क्षमता होती है उसको प्रतिरक्षा क्षमता कहते हैं। अगर हम बात करें WHO की, तो WHO ने इस प्रतिरक्षा की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है, व्यक्ति के शरीर की वह क्षमता जिसकी सहायता से प्रतिजन यानी कि एंटीजन, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटीन या अन्य रोगाणु जो होते हैं उनको पहचान करके, निष्कासित करके प्रतिरक्षा शक्ति कहलाती है। दैट मीन्स इट इज अ एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू रिकॉग्नाइज, टू डिस्ट्रॉय and to eliminate antigenic material. What antigenic material? That is bacteria, virus, protein and other pathogenic foreign materials, whatever there are in the body. To eliminate these foreign bodies from to its own is called its immunity power. यानि कि ये जो बैक्टीरिया है, रोगाणु है, विषाणु है, वायरस है, इन सबको अपने शरीर से एलिमिनेट करना और उस शरीर की रोगों से रक्षा करना अपने बलबूते पर, इसे बोलते हैं प्रतिरक्षा। अपने अंदर एक ऐसा पावर होता है कि हम अपने आप इन जो संक्रामक जो जीवाणु होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, उनसे हम अपने आप लड़ लेते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि एकदम से कुछ इन्फेक्शन हो तो वी नीड मेडिसिन, वी हैव टू गो टू डॉक्टर। हमारे अंदर इतना पावर होता है, इतनी इम्यूनिटी होती है कि हम उन जो संक्रामक जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें प्रतिरोधक क्षमता जो कि मनुष्य के अंदर होती है, वो है कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो कोष होते हैं, सेलुलर कोष होते हैं, उनके प्रतिजन पहचानने की जो क्षमता होती है, अगर हम बात करें तो थायमस ग्रंथि, हमारी जो थायमस ग्रंथि है उसमें टी सेल्स के रूप में होते हैं एंटीजन्स, और अगर हम अस्थि मज्जा, बोन मैरो की बात करें तो वहाँ बी सेल के रूप में होते हैं। ये जो होते हैं, जो हमारे शरीर में एंटीजन्स जो घूमते रहते हैं रक्त के द्वारा, उनको पहचान लेते हैं, और उन एंटीजन्स को क्या होता है, जो हमारा रक्त होता है उसमें WBC होता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है हमारी बॉडी को संक्रामक रोगों से बचाती है। तो ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इन एंटीजन्स को घेर कर उनको नष्ट कर देती हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देती। वैसे अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में रक्त में 6,000 से 8,000 होती हैं WBC, लेकिन जब कभी कोई हमारे शरीर में जीवाणु आ जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई एंटीजेंस आ जाते हैं, तब इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये 30,000 तक इनकी जो संख्या बढ़ जाती है और ये इनको घेर कर नष्ट कर देती है और इनको वहाँ नहीं पहुँचने देती, किसी भी स्थान पर, किसी भी ऑर्गन में, ताकि हमें कोई रोग ना हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये WBC इनको इतना नहीं मार पाती, तो ये उस जगह पहुँच जाते हैं किसी अंग में और हमारे को वो रोग हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर एक क्षमता होती है जिसे हम कह सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता, जो कि हमें रोगों से बचाती है, और वो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो WBC होते हैं हमारे रक्त में, वो इन एंटीजेंस को घेर कर नष्ट कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर इम्यूनिटी पावर, यानी कि इन जीवाणु जो होते हैं, जो ये रोगाणु है, जो जीवाणु है, इनको वो क्रियाशील नहीं होने देती उनको नष्ट करना, इज कॉल्ड योर इम्यूनिटी पावर। अब हम बात करते हैं कि प्रतिकारिता क्या होती है, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। प्रतिकारिता व्यक्तियों में उन जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीवों के साथ रहने, बढ़ने या क्रियाशील होने की क्षमता नहीं है, बल्कि इन रोगाणु जीवाणु को नाश करने की, मारने की क्षमता है। द
दैट मीन्स इसका जो नया परिभाषा इसको बाद में दिया गया वो ये है कि सिर्फ इन रोगाणुओं को साथ रहना, उनको क्रियाशील ना होने देना, दैट इज नॉट कॉल योर इम्यूनिटी पावर. इम्यूनाइजेशन मतलब यह है कि इन विषाणुओं को नाश कर देना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना ताकि हमें कोई बीमारी ना हो. तो दिस इज इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन. अब हम बात करें प्रतिकारिता के टाइप्स. हमारे जो अंदर प्रतिकारिता इम्यूनिटी जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है. सम वी कैन से दैट इट इज नेचुरल एंड कुछ आर्टिफिशियल. अब हम पहले तो डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स क्या होता है, फिर हम उनको डिटेल में समझेंगे. सबसे पहले हम बात करें तो इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं प्रतिकारिता को, एक तो प्राकृतिक प्रतिकारिता और एक कृत्रिम. प्राकृतिक मीन्स नेचुरल इम्यूनिटी जो कि हमारे अंदर प्रकृति में उपलब्ध है, इट इज ऑलरेडी देयर इन आवर बॉडी थ्रू नेचर. और कृत्रिम एक्वायर्ड जो कि हम उसको बाहर से लेते हैं, किसी ना किसी रूप में उसको ले रहे हैं थ्रू द फॉर्म ऑफ वी कैन से वैक्सीन. जो वैक्सीनेशन होती है उससे हम कह सकते हैं इट्स कृत्रिम इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. प्राकृतिक इम्यूनिटी जो है वो अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत प्रतिकारिता, दैट इज योर इंडिविजुअल इम्यूनिटी जो कि हर इंसान की अलग अलग होती है. देन देयर इज जातिगत प्रतिकारिता, दैट इज रेशियल. अगर हम कृत्रिम की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स की होती है. पहली है सक्रिय प्रतिकारिता, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी जो कि रोग होने के बाद एक तो होती है, दूसरी टीके द्वारा दैट इज थ्रू वैक्सीन, और जो दूसरे सक्रिय के अलावा दूसरी होती है निर्णयक्रय, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी. इसमें हम कह सकते हैं एक प्राकृतिक होती है जिसमें एक माता के गर्भ के अपरा से प्राप्त, एक स्तनपान द्वारा भी होती है जो मदर्स मिल्क होता है वो भी इम्यूनिटी डेवलप करता है, और एक कृत्रिम प्रकृता होती है दैट इज आर्टिफिशियल जो दी जाती है दैट इज थ्रू एंटी टॉक्सिन के द्वारा और गामा ग्लोबुलिन. तो इस तरह देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटीज होती है, अलग अलग तरीके से मनुष्य के शरीर में प्रतिकारिता होती है. इसको आप देखिए इस तरह से दो में डिवाइड किया गया है, कृत्रिम और प्राकृतिक. प्राकृतिक में दो होती है, एक व्यक्तिगत और एक जातिगत. अगर हम कृत्रिम की बात करें तो सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है. सक्रिय में जो होती है वो होती है एक तो रोग जब हमारे शरीर में हो जाता है तब, और एक टीकों के द्वारा, ठीक है. और जो निष्क्रिय होती है वो वापस प्राकृतिक और कृत्रिम होती है. प्राकृतिक में माता के गर्भ में अपरा से और एक स्तनपान द्वारा, और कृत्रिम जो होती है वो एंटीटॉक्सिकल और गामा ग्लोबुलिन. इसको हम इस तरह से आप देख सकते हैं. इस तरह से आप ये इस टेबल से क्लियर हो सकता है कि किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटीज होती हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज इन डिटेल.